तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनकी पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज आपके साथ डिस्कस नहीं बल्कि कंपैरिजन करने वाला हूं रेलवे में दो सबसे ज्यादा सैलरी उठाने वाली पोस्ट यानी असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड की। अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन की तो असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए आपको चाहिए कि या तो आपने पंखे को उल्टा घुमाकर ITI की हो, हथौड़े ठोककर पॉलिटेक्निक की हो, या बाप का 4 साल तक पैसा फूंककर BTech। अगर बात की जाए गार्ड की तो फर्क नहीं पड़ता कि 12वीं में आपने होम साइंस लेकर सिलाई मशीन चलाई है या कॉलेज में आर्ट्स लेकर औरंगजेब की चप्पल के नंबर याद किए हैं, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका काम हो चुका है। अद्भुत, अविश्वसनीय, आ जाइए। अगर बात की जाए मेडिकल एग्जाम की तो असिस्टेंट लोको पायलट में आपका आईसाइट 6x6 होना चाहिए जबकि गार्ड में 6x9 भी चलेगा। तू समझा नहीं। देखो अगर आप 6 मीटर की दूरी से 6 सेंटीमीटर का एक लेटर पढ़ सकते हो तो आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हो, लेकिन अगर आपकी आंखें कमजोर है, आप 6 मीटर की दूरी से केवल 9 सेंटीमीटर का एक लेटर पढ़ सकते हो, तो भी आपको गार्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता। अद्भुत, अविश्वसनीय, आ जाइए। तो बेटा स्कोर हो चुका है LP0 Guard 1। अगर बात की जाए ट्रेनिंग की तो एक असिस्टेंट लोको पायलट की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, जिसमें उसे इंजन के पुर्जे के बारे में समझाया जाता है। उसे डीजल इंजन, AC इंजन, CNW, SNT, डिब्बों के प्रकार, छुट्टी लेने के तरीके, छुट्टी के प्रकार और रिटायरमेंट पे मिलने वाले पैसों के बारे में भी बताया जाता है। अगर बात की जाए गार्ड की ट्रेनिंग की तो गार्ड को मात्र 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उसे डिब्बों के प्रकार, ब्रेक लगाने का तरीका तथा इमरजेंसी में पटरियों पर पटाखे फोड़कर सामने आने वाले इंजन को कैसे रोकना है, यह सिखाया जाता है। तो गार्ड की ट्रेनिंग ALP से इजी होने के कारण स्कोर हो चुका है LP0 और Guard 2। अगर बात की जाए प्रमोशन की तो एक असिस्टेंट लोको पायलट अपने शुरुआती 2 सालों में गुड्स ट्रेनों पर काम करता हुआ मालगाड़ी के डिब्बों पर चढ़कर या तो सालसा डांस करता है या इमरजेंसी में अपनी गाड़ी की रक्षा के लिए पटाखे लगाता है। इसके बाद उसका प्रमोशन होता है मेल एक्सप्रेस के असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में, जहां वह या तो इंजन पर भटकते हुए अपने इंजन की सेफ्टी इंश्योर करता है या पीछे मुड़कर अपने ट्रेन की सेफ्टी इंश्योर करता है। 2 साल बाद उसका प्रमोशन शंटर के रूप में होता है, जहां वह अकेला इंजन लेकर स्टेशन पर गेड़िए मारता रहता है। फिर उसका प्रमोशन होता है लोको पायलट ऑफ गुड्स ट्रेन के रूप में, और ये 10 साल का टेन्योर लोको पायलट की जॉब का सबसे टफ टाइम होता है, क्योंकि उसका खाना पीना आना जाना कुछ भी फिक्स नहीं होता है। और फिर उसकी जिंदगी के अंतिम क्षणों में जब उसे सब कुछ मोह माया लगने लग जाता है, तब उसका प्रमोशन होता है मेल एक्सप्रेस के लोको पायलट के रूप। अगर बात की जाए गार्ड के प्रमोशन की तो गार्ड अपने शुरुआती 5 सालों में मालगाड़ी के ब्रेक वैन में बैठकर मस्त चिल करता है, और फिर 7-8 साल बाद उसका प्रमोशन हो जाता है मेल एक्सप्रेस के गार्ड के रूप में, जहां उसकी सैलरी जाती है लाख के बाहर। गार्ड का प्रमोशन ALP से इजी होने के कारण स्कोर हो चुका है LP0 Guard 3। अगर बात की जाए सैलरी की तो एक असिस्टेंट लोको पायलट की बेसिक सैलरी होती है 19,900, ग्रेड पे होता है 1900, ट्रेनिंग के दौरान उसे मिलते हैं 23,000, उसकी फर्स्ट सैलरी होती है 32,000 और अगर किलोमीटर अलाउंस जोड़ दिया जाए तो उसकी फर्स्ट सैलरी बनती है 50,000 के बाहर। अगर बात की जाए गार्ड की सैलरी की तो गार्ड की बेसिक सैलरी होती है 28,200, उसका ग्रेड पे होता है 2800, ट्रेनिंग के दौरान उसे मिलते हैं 32,000, उसकी पहली सैलरी बनती है 42,000 और उसमें भी अगर किलोमीटर अलाउंस जोड़ दिया जाए तो उसकी सैलरी जाती है 65,000 के बाहर, क्योंकि गार्ड असिस्टेंट लोको पायलट से ज्यादा पैसे छापता है, इसलिए स्कोर हो चुका है LP0 Guard 4। अगर बात की जाए जॉब प्रोफाइल यानी काम की तो असिस्टेंट लोको पायलट के जो काम होते हैं उनका डिस्कशन मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूं। फिर भी जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि एक असिस्टेंट लोको पायलट का मेन काम होता है टाइम पर अपने इंजन को चेक करते रहना। अगर इंजन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो रेलवे वाले सबसे पहले ALP को ही धरते हैं। अगर बात की जाए गार्ड के काम की तो गार्ड का मेन काम होता है इंजन के पीछे लगे 60 डिब्बों की सेफ्टी को इंश्योर करना। अगर इन डिब्बों में कोई प्रॉब्लम आती है तो रेलवे वाले सबसे पहले गार्ड को ही धरते हैं। देखो मालगाड़ी हो या पैसेंजर गाड़ी, एक ट्रेन का असली मालिक गार्ड ही होता है। लोको पायलट तब तक ट्रेन को शुरू नहीं कर सकता जब तक कि गार्ड पीछे से ओके ना बोल दे। एक लोको पायलट को काम करने के लिए मिलता है बैचलर लड़कों के बाथरूम जितना साफ केबिन, साथ में मिलती है तेल की बास, इंजन की आवाज, बैठने के लिए मात्र पिछवाड़ा टिकाने जितनी सीट, टॉयलेट करने के लिए इंजन का फ्रंट और फ्रेश होने के लिए रेलवे की पटरियां बिल्कुल फ्री। अगर बात की जाए गार्ड की तो गार्ड को काम करने के लिए मिलता है बिना लाइट पंखों का भूतिया एनवायरनमेंट, बैठने के लिए लोहे की कुर्सियां, और गलती से अगर मालगाड़ी किसी छोटे स्टेशन या जंगल में खड़ी हो जाए तो मच्छरों से कटवाने का और चोरों से लुटवाने का सुनहरा अवसर बिल्कुल फ्री। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है? देखो मैं अपने नॉर्मल व्यूअर से बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप मोटी सैलरी के साथ आराम पसंद करते हैं तो आपको गार्ड की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मोटी सैलरी के साथ मेहनत और सम्मान चाहते हैं तो आपको लोको पायलट की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जब किसी बड़े स्टेशन पर हजारों लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं और तब आप धुआं उड़ाते हुए अपने 120 टन के इंजन को प्लेटफॉर्म पर एंटर करवाते हैं, लोग जिस रिस्पेक्ट से आपको देखते हैं वो रिस्पेक्ट गार्ड की जॉब में नहीं मिल सकती। इतनी खुशी तो बस यार आज का कंप्लीट हो चुका है। वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।